की बॉडी में लोकेटेड है अलग अलग जगह पर। एंडोक्राइन सिस्टम का लोकेशन डायग्राम आपसे पता चल रहा है 22.1। यू आर एबल टू सी दिस स्क्रीन? यस मैम। सो यहाँ पर आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में पता चला है, एंड जो मैं बात बता रही थी एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट मींस आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस जो न्यूरोनल इनपुट लेता है, एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि ग्लैंड से इनपुट ले रहा है। क्लियर? यस मैम। मैम बट मैम आपने तो ये ऑफलाइन क्लास में करवा दिया था बहुत दिन पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एडिनोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस में करा तो दिया था, रिकॉल कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी से इसको। ठीक है, कौन कौन से हॉर्मोन्स ये बना रहा है? तो नियरली पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड भी है और ये इतने सारे हॉर्मोन्स, 9 हॉर्मोन्स बनाता है। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं एंड इनके पूरे ग्लैंड्स के ऊपर असर होता है। फिर पीनियल ग्लैंड का बताया था कि इसका मेन हॉर्मोन क्या है, मेलाटोनिन है, एंड मेलाटोनिन बॉडी की क्लॉक को मेंटेन करके, रिदम को मेंटेन करके, स्लीप वेक साइकिल्स, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, कई तरीके से हमें कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड। इज इट क्लियर? देन यहाँ आप देख रहे हो बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड है नेक के पास, थायराइड कार्टिलेज के पास, ट्रैकिया के ऊपर। तो उसका भी हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, बेसिक फंक्शन थायराइड का क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करना। मतलब हमारी बॉडी में जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ये फैट्स होते हैं, इनके डाइजेशन का स्पीड क्या है, रेट क्या है मेटाबॉलिज्म की, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी फूड हमारा ब्रेक होता है वो कितनी स्पीड में टूटता है, वो किस पे डिपेंड करता है? थायराइड के इतने अच्छे हॉर्मोन्स बना रहा है, थायराइड 2-3 हॉर्मोन्स बनाता है, T3, T4। ठीक है, ये हॉर्मोन्स थायराइड के होते हैं, ट्राईएडोथायरोनाइन, टेट्राएडोथायरोनाइन और थायरोकैल्सिटोनिन, एक और हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये थायराइड अंदर से फॉलिकल और स्ट्रोमल सेल्स में डिवाइडेड होता है, हमने इसके डायग्राम भी देखे थे। और ये जो कनेक्टर रीजन होता है थायराइड के बीच में, इसे इस्थमस बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो वी नो कि ये बीच में दो लोब्स तो इसके साइड वाइज हैं, बट बीच में जो ये कनेक्टिंग टिश्यू है इसको इस्थमस बोला जाएगा। एंड दिस इज ओनली रिटन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द, ये ट्रैकिया के दोनों तरफ 2 लोब्स में है, इस्थमस से इंटरकनेक्टेड है कनेक्टिंग टिश्यू के, एंड अंदर से फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यूज उसके अंदर होते हैं। ये हॉर्मोन्स ये बनाता है T3 और T4। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें नॉर्मल रेट हॉर्मोन की प्रोडक्शन की, आयोडीन पे डिपेंड रहती है, आयोडीन इसको चाहिए होता है अपने काम के लिए, अगर नहीं मिलेगा तो आयोडीन तो गोइटर हो सकता है, पर्सन को गोइटर एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड का उसके गले में। एंड अगर बेबी को भी सही से थायराइड नहीं मिला या प्रॉपर नहीं मिला, डिफेक्टिव, उसकी मैचुरेशन प्रॉपर नहीं होगी प्रेगनेंसी के वक्त, जिससे स्टंटेड ग्रोथ भी रह सकती है, क्रिएटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, कम इंटेलिजेंस, अब नॉर्मल स्किन, डेफ, म्यूटिज्म हो सकता है, मतलब गूंगा बहरा बच्चा हो सकता है, डेफ और म्यूट। ठीक है, एडल्ट में वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, रेगुलर हो सकते हैं हाइपोथायरॉयड की वजह से, कैंसर अगर थायरॉयड में हो गया तो ज्यादा थायरॉयड भी बनना बन सकता है, थायरॉयड ज्यादा अगर निकलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी हॉर्मोन्स के ज्यादा सिक्रीशन से हाइपर वर्ड जोड़कर उसका डिसऑर्डर कहलाता है, लोअर सिक्रीशन से हाइपो वर्ड जोड़कर ही उस ग्लैंड का डिसऑर्डर कहलाता है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। हॉर्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, ये बताया था, और एक और थायरोकैल्सिटोनिन नाम का TCT हॉर्मोन है जो ब्लड की कैल्शियम को भी मेंटेन करता है। यहाँ तक सबको क्लियर? पैराथायरॉइड भी थायरॉइड के पास ही लगा हुआ, दो हर थायरॉइड लोब में दो दो है, तो टोटल नंबर में 4 है, यहाँ आप देख सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? पैराथायरॉइड ग्लैंड का लोकेशन आपने देख लिया, एंड देन इनका हार्मोन क्या है, इसका हार्मोन पैराथार्मोन कहलाता है या पैराथायरॉइड हार्मोन कहलाता है, एंड ये इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को। जब भी कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हो रहा होता है ब्लड में, तो PTH का काम होता है कि वो इंक्रीज करे उसे, ताकि बोन्स पे एक्ट करके इंक्रीज करता है,
बोन को रीअब्सॉर्प्शन कराता है, मतलब उसकी डिसोल्यूशन, बोन में से निकाल निकाल के कैल्शियम क्या करता है ब्लड के अंदर देता रहता है। तो इस तरह से ब्लड का कैल्शियम मेंटेन करता है, डीमिनरलाइजेशन करवा रहा होता है। एंड पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन कैल्शियम का किडनी ट्यूब्यूल से भी, अगर हम खाने पीने में कैल्शियम की चीजें ले रहे हैं किडनी से भी उसे रीअब्सॉर्ब करवाता है डाइजेस्टेड फूड से। एंड पीटीएच इज ऑल्सो हाइपर कैल्सिमिक हॉर्मोन, पीटीएच को हाइपर कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम बढ़ाने वाला हॉर्मोन कहा जाता है, हाइपर कैल्सिमिक, कैल्शियम के लेवल्स बढ़ाता है पीटीएच। क्लियर हुआ? इट इंक्रीजेस लेवल अलॉन्ग विद टीसीटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। ये टीसीटी के साथ मिलकर कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करता है, इसीलिए पैराथायरॉइड हो गया। थायरॉइड से इसके रोल्स थोड़े थोड़े सिमिलर हैं या स्टार्ट इसके सपोर्टिंग में है। देन थाइमस का रोल किसमें है? इम्यूनिटी में है, ये एओर्टा के पास है, वेंट्रल साइड स्टर्नम के बिहाइंड है, स्टर्नम के पीछे की तरफ है। थाइमस मेजर रोल इम्यून सिस्टम में रोल प्ले कर रहा है क्योंकि थाइमोसिन नाम का सब्सटेंस रिलीज कर रहा है। थाइमोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स को डिफ्रेंसिएशन करने में, यानी टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करवाने में इनका काम है। कोई प्राइमरी सेल से अच्छा हेल्दी और मैच्योर टी सेल्स बनाएगा तो वो कौन से ग्लैंड में होगा? इट विल बी इन द थाइमस। थाइमस ग्लैंड में ही ये डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है किसमें? इम्यूनिटी में, क्योंकि अच्छे सेल्स बनना, अच्छे सेल्स इन द सम फंक्शनल सेल्स बनना, डिफ्रेंसिएशन का वर्क मतलब होता है फंक्शन देना। तो सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को टी सेल्स में डेवलप करने के लिए, ये ब्लड सेल्स ही हैं, टी सेल्स एक तरह के क्या है, टी लिम्फोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स विच आर इम्पोर्टेंट इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिनका काम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाना है। और इनके वजह से जो ग्राफ्ट्स होते हैं, जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं, उनमें इनका रोल होता है फॉरेन सेल्स को और सेल्फ सेल्स को डिफ्रेंशिएट कराने में इनकी एबिलिटी होती है। तभी ग्राफ्ट्स की नाम लिया मैंने, तभी ट्रांसप्लांट्स का नाम लिया मैंने। क्यों? क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट एक्सेप्शन कब होगा? जब सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और वो जो सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं वो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स प्रॉपर होंगे तब हम अपनी इम्यूनिटी हमारी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, थाइमोसिन एंटीबॉडीज बनाने को भी प्रमोट करते हैं, जिससे दूसरी इम्यूनिटी की ब्रांच होती है जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जैसे आप बोलते हो ना प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा में क्या है, एक्चुअली में प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज से मिलने वाली इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसमें भी थाइमोसिन का रोल होता है। वैसे मेन रोल तो किसमें है, टी लिम्फोसाइट्स में, तभी नाम भी थाइमस लिम्फोसाइट्स आया, टी फॉर थाइमस है यहाँ पर, टी फॉर इज फॉर थाइमस, थाइमस लिम्फोसाइट्स। एंड थाइमस डीजनरेटेड ओल्ड इंडिविजुअल में एज के साथ साथ ये बहुत कम हो जाता है, रिजल्ट इम्यून सिस्टम पर्सन का क्या हो जाता है, एज के साथ साथ वीक होता जाता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस दक्ष, व्हाट डू वांट टू से? मैम मैं ये पूछा था कि जब बी लिम्फोसाइट्स होते हैं फिर वो क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स आपके बताया भी, एंड उनके ऊपर दो तरह की एंटीबॉडी, दो तरह के बी लिम्फोसाइट, एक तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स में एंटीबॉडीज को रखते हैं कि उनके मेम्ब्रेन्स में ही वाई शेप की एंटीबॉडीज अटैच रहती हैं, ये डायरेक्टली एंटीजन्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से डायरेक्टली एंटीजन्स को पकड़कर और ये दूसरे बड़े मैक्रोफेजेस में जुड़कर उसको किल करवाने के लिए हेल्प कराते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी यही सेल किसी एक और तरह के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं दोबारा से बोन मैरो के अंदर जाकर, जिन्हें बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और वो ज्यादा प्रोटीन्स बना सकते हैं, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज ज्यादा बनती है, ऐसे सेल्स हो जाते हैं। तो बी सेल्स ही ओनली मॉडिफाइड इनटू प्लाज्मा सेल्स आफ्टर द एंटीजन अटैक। तो ये वाला जो एंटीजन आया था जिसको इसने एंटीबॉडी ने पकड़ा था, उसके एक्टिविटी के बाद ये बहुत सारे ऐसे ही तरह की एंटीबॉडीज बनाकर अपने आप को चेंज करेगा प्लाज्मा सेल में, और ये इसी तरह की एंटीबॉडीज बहुत सारी प्लाज्मा में रिलीज करेगा। तो इस तरह से ये बी सेल्स जो होते हैं ये एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। और ह्यूमर, ह्यूमर मतलब होता है बॉडी लिक्विड, बॉडी लिक्विड हमारा क्या है, ब्लड प्लाज्मा, इसकी वजह से मिलने वाली इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बाय द बी सेल्स। क्लियर हुआ? ओके मैम। यस मैम।
एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड को रीड करना है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, कोई भी एक बच्चा रीड करेगा यहाँ। हाँ रीड मैं कर, आए हाँ रीड करो। एड्रिनल ग्लैंड, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड on the anterior part of each kidney. The gland is composed of two type of tissues. The central located tissue is called the adrenal medulla and the outside this lies the adrenal cortex. Okay, तो यहाँ पर location बताया हमको कि दो parts में हमारे पास pairs में है kidney, एक एक kidney के ऊपर triangular portion में located है and gland दो तरह के tissues से बना है, जैसे कि कोई ऑर्गन होते हैं आपको पता ही है, बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला रीजन क्या कहलाता है एड्रिनल मेड्यूला। तो दो रीजन से ये बना होगा एड्रिनल ग्लैंड। अब हम इसको देख भी सकते हैं, वी कैन सी इन द पिक्चर व्हाट द इट इज वेयर इट इज लोकेटेड अबव द किडनी एड्रिनल। इसका नाम भी इसी वजह से बना क्योंकि एड मींस होता है अबव, अबव द रीनल, रीनल मींस होता है किडनी, अबव द किडनी। तो ये ट्रायंगुलर है और अगर इसको कट सेक्शन करके देखा गया या इसको निकाल कर देखा गया तो इसमें भी येलोइश पोर्शन, बाहर बाहर का पोर्शन जो बाउंड्री से दिखा रखा है दैट इज कॉर्टेक्स रीजन एंड अंदर का पिंक पिंक पोर्शन जो अंदर दिखा रखा है दैट इज मेड्यूला। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके सो नाउ अब इसके अलग अलग हॉर्मोन्स हैं, दोनों के अलग अलग हॉर्मोन्स हैं, उनको रीड करना है। रीड करो मैं करूं। द एड्रेनल मेड्यूला सेक्रेट टू हार्मोन कॉल्ड एड्रेनल लाइन और एपिफ्रेन एंड नॉर्ड्रेन लाइन और नॉन रेपिनेफ्रेन। मैं क्या कर नाम है इनके, ये समझ नहीं आ रहा, आप खुद पढ़ लो इन वालों। एड्रेनल मेड्यूला में दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक को एड्रेनलिन बोला है, एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है, दूसरे को नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, ऐसे बोलना है। दीज आर कॉल्ड कैटेकोलामींस, इनको कैटेकोलामींस भी कहते हैं, ठीक है। ये कैटेकोलामींस दैट मींस इनका अमीनो नेचर है, अमीनो नेचर मतलब अमीनो ग्रुप्स इनमें प्रेजेंट होंगे, अमाइनो एसिड्स के बने हुए हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर रिलेटेड है ऐसा। और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन तो तुम समझते ही हो एड्रेनल से निकल रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा रिलेशन किया इन्होंने। ओके मैम। Adrenaline and non-adrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation and are called emergency hormone or hormone of fight or flight. These hormones increase non-adrenaline stress hormones भी होते हैं और ये किसी भी emergency के वक्त release होते हैं। इन्हें hormones of flight or fight भी कहते हैं। तो या तो करो या तो मरो, इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है। Okay, ma'am. These hormone increase alternative pupillary dilates, flow, raising of hair, sweat, etc. Both the hormone increase the heartbeat, the strength of heart contraction, and the rate of respiration. तो ये दोनों hormones जो हैं adrenaline और non-adrenaline जो stress hormones हैं, इनका activity ऐसी होती है कि alertness बढ़ा देते हैं, pupils को dilate करवा देते हैं एंड पाइलो इरेक्शन करा देते हैं, मतलब हमारे जो गूज बम्प्स जब हमें डर लगता है तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं ना, वो बोला है। तो ऐसे करवाना किसका काम है, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन, हमें बहुत पसीना छूट जाता है हमारा, ये किसका काम है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का स्ट्रेस हुआ। तो मैम जो ये वाला ग्लैंड है ये हमारा पैरासिम्पैथिक से कंट्रोल होता है या सिंपैथिक से कंट्रोल होता है, ये पैरासिम्पैथिक से होता है ना? दोनों नर्व्स बेटा, हर ग्लैंड दोनों मिक्स्ड नर्व से होंगे, एक एक ब्रांच उसकी पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करेगी और दूसरी उसकी जुड़ी रहेगी सिंपैथेटिक से। एंड एक स्ट्रेस की सिचुएशन में, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है, स्ट्रेस की सिचुएशन में अगर अलर्टनेस जरूरी है
तो स्ट्रेस थोड़ी देर के बाद जब स्ट्रेस हट गया, हमने उससे कोप अप कर लिया या हमने उससे फाइट कर लिया या फ्लाइट कर लिया, जो भी कर लिया, उसके बाद हमारा वापस से पैरासिम्पेथेटिक से स्लो डाउन भी तो होना चाहिए, रिलैक्स भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए दोनों ही सेट ऑफ नर्व्स आती हैं, दोनों ही पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, और हर ग्लैंड में इनके नर्व्स जाते हैं, एक एक्टिवेट ओके करता है मैम, इनको और एक इनको रिलैक्स करा देता है आफ्टर स्ट्रेस। ठीक है, बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, दोनों ही हार्मोन हार्ट बीट भी बढ़ा रहे हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपना वर्क, जो भी डिजायर्ड वर्क है, वो कर सकें जल्दी से जल्दी, हमें स्ट्रेस हुआ है तो हम अपना जान बचा सकें, क्योंकि अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा लिविंग रहना जरूरी है। अगर हम खुद बचेंगे तभी तो हम किसी और के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे, खुद को ही नहीं कर पाएंगे, बचा पाएंगे तो किसी और के लिए क्या करेंगे। तो इसीलिए क्वेटकोलामीन स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। कैटेकोलामीन्स का दूसरा वर्क भी है कि ये ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, कैसे, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवा करवा के। हमारा स्टोर्ड फूड है ना ग्लाइकोजन, पता है आपको ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है, फूड एक्स्ट्रा होता है तो वो किस में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, तो उसको भी ब्रेक करता है। और हमने जो खाना पीना खाया होता है वो तो रहता ही है ब्लड में, ग्लूकोज का ब्लड लेवल का ग्लूकोज बहुत बढ़ा देता है। एंड देन इससे क्या, हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हमारे वो लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी ब्रेक डाउन करवा देता है, जिससे हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए उस रिक्वायर्ड कंडीशन में वो मिल सके। क्लियर हो रहा है? यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ एडिनल कॉर्टेक्स का, अब हार्मोन्स बताने हैं। एडिनल मेडुला के ये हार्मोन्स आपने पढ़ लिए, ये थे एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन, एंड दूसरा नाम इनका होता है कैटेकोलामीन्स, इनको ही दूसरा नाम बोलते हैं कैटेकोलामीन्स। इनका वर्क मेनली क्या था, फाइट और फ्लाइट या स्ट्रेस को कोप अप कराना, जिसमें इन्होंने कई सारे वर्क करे, अलर्टनेस, पुपिलरी डायलेशन, हार्ट बीट को फास्ट करना, और स्टिमुलेट द कौन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज बढ़े। अब आगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स पढ़ने, किसी और को पढ़ना है तो वो रीड कर सकता है, नहीं तो फिर दक्षी रीड करेगा। मैम ऋषिका कह ली, किसी और बोल भी नहीं। एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड, यहां से पढ़ना है नेक्स्ट पैराग्राफ। ऋषिका तुम पढ़ लो। ओके मैम, द एड्रीनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, जोना इनर लेयर, जोना फैस्कुलेटा मिडल लेयर, एंड जोना ग्लोमेरुलेसा आउटर लेयर। द एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकोकॉइड्स। द कॉर्टिकोकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स। इन आर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड। कॉर्टिकोकॉइड्स विच रेगुलेट कॉर्टिकोइड, कॉर्टिकोइड क्या बोलेंगे हम इसको, कॉर्टिकोइड्स बोलेंगे। ओके मैम, कॉर्टिकोकॉइड, कॉर्टिकोइड्स। पढ़ो आगे। द कॉर्टिकोइड विच आर रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड्स। कॉर्टिकोइड्स नहीं है बेटा, कॉर्टी कोइड्स, हाँ कॉर्टिकोइड्स, प्रोनाउंसिएशन में हाँ पढ़ती रहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं, वैसे भी तो अभी जुबान पे उसको आने में टाइम लगेगा, पर पढ़ना है उसको, कई बार पढ़ोगे तो अपने आप आने लगेगा। पढ़ो। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकोकॉइड इन आवर बॉडी। ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शंस। ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसिस द इम्यूनल रिस्पॉन्स। कॉर्टिसोल, देखो यहाँ पर मेट कॉर्टेक्स के तीन, पहले तो डिविजन्स बताए कि कॉर्टेक्स भी तीन लेयर में,
जो बाहर का कॉर्टेक्स है भले ही वो हमें बाउंड्री की तरह दिख रहा है, इट इज लुकिंग एट लाइक अ बाउंड्री, बट ये बाउंड्री भी है, इसकी भी तीन लेयर्स हो गई हैं। कह रहे हैं सबसे बाहर वाली जो की है जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे बाहर वाली होती है ये, ठीक है। और फिर उसके मिडल वाली भी होगी एक, तीन अगर लेयर में इसे बांटे तो सबसे बाहर वाली ग्लोमेरुलोसा होगी, मिडल वाली क्या हो गई, मिडल लेयर फैसिक्यूलेटा है, मिडल लेयर जोना तो है ही, जोना मतलब होता है लेयर, ठीक है, जोना जोन, जोन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मिडल लेयर तो हो गई फैसिक्यूलेटा, सबसे अंदर वाली जो हो गई कॉर्टेक्स की लेयर वो क्या होगी, रेटिक्यूलरिस, रेटिक्यूलरिस, ठीक है। तो ऐसे करके हमें तीन लेयर याद करनी है, रेटिक्यूलरिस सबसे अंदर, आर से सबसे अंदर, देन एफ बाहर, और सबसे बाहर क्या है जी, सबसे अंदर वाली आर, फिर फैसिक्यूलेटा लेयर, फिर ग्लोमेरुलेसा लेयर। तो आर एफ जी या जी एफ आर, जी एफ आर आपने किडनी में भी पढ़ा है, अगर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो उससे भी वर्ड से जी एफ आर मतलब ग्लोमेरुलोसा फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, जी एफ आर एड्रिनल के टर्म्स में ये होगी लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, बट जी एफ आर अगर किडनी में आएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तब वो ये हो जाएगा, बट यहाँ पर एड्रिनल के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलोसा लेयर, फैसिकुलेटा लेयर और रेटिक्यूलरिस लेयर, क्लियर। अब ये जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मैनी हॉर्मोन, कॉर्टेक्स भी बहुत सारे हॉर्मोन बनाता है जिसे कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और वहीं पर दूसरे जो मिनरल के मेटाबॉलिज्म में जो पानी में आयंस का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारे बॉडी में बैलेंस मेंटेन करते हैं उन्हें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और ऐसा मेन कॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरोन, मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या है, एल्डोस्टेरोन, इसका नाम आपका किडनी में भी वक्त भी आया था, एल्डोस्टेरोन जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन नाम है कॉर्टिसोल, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन काम नाम क्या है, कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। तो आपको पता चला एड्रिनल कॉर्टेक्स ने बहुत हार्मोन बनाने हैं, उनमें उनके नाम सारों के मिला के हैं कॉर्टिकॉइड्स, दो तरह के की कैटेगरी है कॉर्टिकॉइड्स की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ग्लूको कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेंगे, और मेजर उसका एग्जांपल है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। और जो दूसरा कॉर्टिकॉइड है जो कि मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन करता है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन, क्या है, एल्डोस्टेरोन, क्लियर हुआ। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, वो क्या है, एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इज इट क्लियर, यस मैम क्लियर है। अब यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैसे करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा के, लाइपोलाइसिस करा के, प्रोटियोलाइसिस करवा के, एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब इन तीनों प्रोसेसेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे कराते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज को न्यू बनाना, ग्लूकोज न्यू जेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, इसका मीनिंग यही होता है न्यू ग्लूकोज बनाना। न्यू ग्लूकोज कहाँ से बनाएगा, जो हमारे लीवर में का जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, लीवर में उस ग्लाइकोजन स्टोर को क्या करवाता है, ये पिघलाता है उस ये वाला पर्टिकुलर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जब भी ब्लड से आकर मिक्स होकर लीवर में आएगा तो लीवर से बार 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 क्या बनता जाएगा, ग्लाइकोजन ब्रेक होके किसमें चेंज होता जाएगा, ग्लाइकोजन विल ब्रेक एंड विल चेंज इन टू ग्लूकोज, एंड ब्लड का ग्लूकोज फिर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इज इट क्लियर, यस मैम। और उसके ही अलावा लिपिड्स भी ब्रेक होंगे, प्रोटीन्स भी ब्रेक होंगे, और ये भी किसकी प्रोसेस में आ जाएंगे,
लीवर में कुछ प्रोटीन और लिपिड्स ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में ही रोल प्ले करने लगेंगे और ये भी नया ग्लूकोज बनाने लगेंगे ब्रेक होके, क्योंकि ये साइकल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये अगर ग्लूकोज को नहीं मिल पा रहा है तो फिर लिपिड्स को तोड़ने लगती हैं और उनको फिर ग्लूकोज बनाने में, प्रोटीन्स को तोड़कर भी ग्लूकोज बनाने लगती है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स है एक दूसरे में। हमने पढ़ा था जब हमने एंजाइम पढ़ी थी कि कैसे एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये यूज हो रहे हैं तो इनका अपटेक भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, इनका बॉडी में लगना क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और ये फिर क्या ब्लड ग्लूकोज में ही बने रहेंगे। क्लियर हो रहा है? यस मैम, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। कॉर्टिसोल एक और हार्मोन है जो कि दिल का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी का फंक्शन भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इज इट क्लियर? यस मैम। प्रोड्यूसेस द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्सेज। ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन करवाता है, कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब पर्टिकुलरली कौन सा वाला, कॉर्टिसोल नाम का जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, यही हमने अभी तक पढ़ा है। इसका इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कराने का भी इसका काम है, इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को थोड़ा सा सप्रेस कराने का भी इसका काम है। जैसे कि आपको पता है एलर्जी वगैरह होती है तो बॉडी क्या करती है, हिस्टामिन्स और ये सब रिलीज करती है जिससे रेडनेस होने लगती है, या फिर हम लोगों को फीवर फीवरिश लगने लगता है। तो ये क्यों होता है, ये कॉर्टिसोल क्या करवा रहा होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैनेज करवा रहा होता है इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को, थोड़ा सा मेंटेन करवा रहा होता है, इनका लेवल कम कर रहा होता है। इसका भी रोल इसमें है इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज कम कराने में, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को कम कराता है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, कॉर्टिसोल थोड़ा सा आरबीसी भी बनाना बढ़ाता है, ठीक है। मैम जो पीछे लिखा था कि कॉर्टिसोल हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, तो वो कैसे करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कॉर्टिसोल मेंटेन करेगा, बिकॉज इसका मेन काम तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ही है, और मेटाबॉलिज्म से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन क्या होगा, हार्ट पे भी होगा, बिकॉज हार्ट और हमारे इवन हर ऑर्गन कनेक्टेड ही है। तो जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगी, ब्लड थिक हो जाएगा और उसका वॉल्यूम कैसे ना कैसे करके मैनेज करवाना पड़ेगा, तो हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन है ब्लड के लिए ही, ठीक है। तो उस पे भी थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही बॉडी में कुछ चेंज आती हैं उसका कैसे ना कैसे करके हर मेन ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्लियरली सर्च करके देखना है, आप भी सर्च करना, मैं भी, कि एग्जैक्टली क्या करता है। मेरा ये एक इंट्यूशन है के हो सकता है कि बिकॉज ब्लड के अंदर ग्लूकोज के वेरिएशंस हुए हैं, उस वजह से किसी तरह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी ये मेंटेन कर रहा है, किडनी के फंक्शन को भी इसी रिलेशन में मेंटेन कर रहा है कि ब्लड को क्या वॉल्यूम पंप करा जाए, ब्लड को किस तरह से हाई बीपी या लो बीपी या फिर किडनी में किस तरह से थोड़े से वेरिएशंस करे जाए चेंजेस लाने के लिए, रीअब्सॉर्प्शन के, यही रिलेशन हो सकता है, बट फिर भी सर्च कर लेना, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। आई विल आल्सो सर्च एंड आई विल टेल यू, ठीक है। एल्डोस्टेरोन, अब एल्डोस्टेरोन का बताया है कि जो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड था वो किस तरह काम कर रहा है, उसका तो हमने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है, जिससे कि रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस, यानी सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, इसकी वजह से इफेक्ट की एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस की वजह से ही ज्यादा सोडियम और ज्यादा पानी क्या करा जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, किडनी ट्यूब्यूल से वापस ले लिया जाता है ब्लड में। और एक्सक्रीशन किसका करवा देते हैं उसके टर्म्स में, जब सोडियम ले रहे हैं तो उसका अपोजिट चार्ज वापस भेजेंगे भी, रिलीज भी करेंगे, तो पोटेशियम रिलीज करते हैं और फॉस्फेट आयंस भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एक्सक्रीशन कराते हैं, ठीक है। तो दस एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसी वजह से ब्लड बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना,
ये भी काम किसका हो गया, एल्डोस्ट्रॉन का हो गया. स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रेनोजेनिक स्टेरॉइड्स, अगर थोड़े अमाउंट में लास्ट में एक और हॉर्मोन्स होते हैं जो ये बनाता है कॉर्टेक्स, ये है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स. कुछ ऐसे हॉर्मोन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही बनते हैं, ये ऐसे स्टेरॉइड हैं, ये एंड्रोजेनिक है, मतलब टेस्टोस्टेरॉन की तरह के लेवल के हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं. ठीक है, जैसे कि मेल्स में बनते हैं टेस्टोस्टेरॉन, वैसे हॉर्मोन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स भी बनाता है. ठीक है, तो कुछ लेवल में, थोड़े से लेवल में टेस्टोस्टेरॉन टाइप के एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स ये बनाता है, मेल हॉर्मोन टाइप के बनाता है, जिससे ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, एक्सियल हेयर्स, फेशियल हेयर्स, प्यूबर्टी के वक्त ये सब आते हैं. जो बियर्ड मुस्टैच है उसमें इसका भी रोल है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के भी एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स का रोल है और उसका भी रोल है टेस्टिस का, तो है ही. ठीक है, क्लियर? यस मैम, क्लियर. पैनक्रियास का पढ़ना है, हु विल रीड पैनक्रियास? मैं करूं? हाँ पढ़ लो. Pancreas is a composite gland which acts as both exocrine and endocrine gland. The endocrine pancreas consists of islets of Langerhans. There are about 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. The two main types of cells in the islet of Langerhans are called alpha cells and beta cells. The alpha cells secrete a hormone called glucagon, while the beta cells secrete insulin. तो ये सिंपल हो गया, इसका क्या मीनिंग हो गया? पैनक्रियास पहली बात तो कैसा ग्लैंड है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है. कंपोजिट मतलब होता है मिक्स्ड, मतलब इसमें एक एक ही तरह के सेल्स नहीं है, इसमें दो तरह के डिफरेंट, दो तीन तरह के मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है इसका. ठीक है, और मिक्स होने की वजह से इसका कुछ पार्ट एंडोक्राइन है एंड कुछ पार्ट इसका एक्सोक्राइन है. दोनों की तरह काम कर सकती है, एंजाइम्स भी बना सकती है पैनक्रियास, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम भी कर सकती है. इसके अंदर जो एंडोक्राइन पोर्शन है, पर जो पर्टिकुलर एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रिया का, उसका नाम है इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. इसलेट्स मतलब होता है, इसलेट्स दूसरे लैंग्वेज के मीनिंग से उससे आया है, वर्ड से आया, पर इसका मीनिंग इंग्लिश का होता है आइलैंड्स, जैसे आइलैंड होते हैं. ठीक है, तो क्योंकि पैनक्रिया के टिश्यू में ये वाले जो एंडोक्राइन पोर्शंस हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, थोड़े थोड़े लेवल्स पे इधर उधर बिखरे हुए हैं पूरी पैनक्रियाज में, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई आइलैंड का ग्रुप हो. ठीक है, तो एंडोक्राइन पोर्शंस का फैले होने की वजह से पैनक्रिया के टिश्यू में, और दो तरीके के सेल्स से तो अंदर से बने हैं ये, तो दे आर मेड ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग नेचर के, अल्फा एंड बीटा. बट क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आइलैंड टाइप का है, स्कैटर्ड है, इस वजह से इनका नाम पड़ा इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसे डिस्कवर किया. 1 to 2 million इसलेट्स होते हैं लैंगरहैंस के नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रिया में, जिसमें से ओनली 1 to 2% है ये पैनक्रियाटिक टिश्यू के, बहुत कम अमाउंट में है, 1 to 2% में ही प्रेजेंट है. पर इनका मेन रोल है, दो मेन तरह के हॉर्मोन इन्हें बनाने हैं. अल्फा सेल्स इसलेट में अलग हॉर्मोन बनाएंगे, बीटा सेल अलग हॉर्मोन बनाएंगे. यस, अल्फा सेल्स कौन सा हॉर्मोन रिलीज कर रहे हैं? यस अक्स, अल्फा सेल्स सिक्रीट अ हॉर्मोन कॉल्ड, आर यू लिसनिंग? यस मैम. अल्फा सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अल्फा सेल्स सिक्रीट अ हॉर्मोन कॉल्ड glucagon, and beta cells secrete a hormone called insulin. beta cells कौन सा बना रहे हैं उसमें से? insulin. एक हम अभी झटपट एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि आप और कनेक्ट कर पाओ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियास. showing islets of Langerhans. So these kind of structures are there. Islets of Langerhans contain alpha, beta and delta cells. You can see here. ठीक है, alpha cells किस color के दिखा रखे हैं? Greenish color के दिखा रखे हैं. ठीक है,
and alpha cells glucagon bana rahe hain and the other one is beta and the cells are having fourth type of islet cell F or PP cells are located at the periphery of the islets of the Langerhans. अभी इसमें फिर भी इतना ज्यादा क्लियर डिमार्केशन नहीं है, बस ये बताया है कि islets का टिश्यू इस तरह से अरेंज रहता है. Can you see islet tissue, how they are arranged? Is the slide visible to you? पैनक्रियाज में इस तरह से ब्लूइश और ब्लड वेसल से लाई करता हुआ और उसके आसपास कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. इसमें अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स, तीन तरह के सेल्स मार्क कर रखे हैं. कैन यू सी इट, कैन यू सी दिस पिक्चर? यस मैम. दिस पर्टिकुलर इज अ वन इजलेट, ये पूरा वन इजलेट है. इसमें अल्फा सेल्स ग्रीनिश दिखा रखे हैं, बीटा सेल्स ब्लूइश पर्पलिश दिखा रखे हैं एंड ब्राउनिश दिखाए हैं डेल्टा सेल्स. तीन तरह के सेल्स. ये कैपिलरीज नेटवर्क है जो इनके अंदर, जिनके अंदर ये पोर करते होंगे अपने अपने हार्मोन, क्योंकि एंडोक्राइन पोर्शन है ये इसलेट. कैसा पोर्शन है? एंडोक्राइन पोर्शन है. तो ये इसका काम हार्मोन बनाना है, हार्मोन बना के ये इन्हीं ब्लड वेसल्स में पोर कर देते हैं, डायरेक्टली मिक्स कर देते हैं. बाकी ये सब लाइट ब्राउनिश का जो रीजन है ये कैसा पोर्शन है? एक्सोक्राइन पोर्शन. ये कौन सा पोर्शन है? एक्सोक्राइन, बाहर वाला. और एक इसलेट पीछे की तरफ भी दिख रहा है आपको, ये रहा, दिख रहा है आपको इधर, एक पीछे की तरफ भी है उस तरफ, ऐसे बहुत सारे होंगे इधर, ठीक है. तो ये डायरेक्टली ब्लड में ही भेज देंगे, जबकि जो आपका एक्सोक्राइन पोर्शन होगा वो किस में भेजेगा? ये देखो पैनक्रियाटिक डक्ट. जो एक्सोक्राइन पोर्शन होगा ब्राउनिश वाला वो किस में भेजेगा? वो अपनी पैनक्रियाटिक डक्ट में भेजेगा. उसको इंजाइम्स बनानी है, पर इनको क्या बनाने हैं? हॉर्मोन्स बनाने हैं. अल्फा सेल कौन सा हार्मोन बना रहा है? बीटा सेल कौन सा हार्मोन बना रहा है? अल्फा सेल अभी हमने देखा ग्लूकागोन. बीटा सेल कौन सा बना रहा है? इंसुलिन. कौन सा बना रहा है? इंसुलिन. और डेल्टा सेल भी एक और हार्मोन बनाता है जिसे बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन ये ग्रोथ हार्मोन का रिप्रेसिंग हार्मोन होता है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है. तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो चुके इसके बारे में, इसलेट्स के बारे में. अब हम आगे पढ़ते हैं. ग्लूकागोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. वैशाली यू वांट टू रीड? चलो अभी वैसे टाइम होने वाला है तो इसको यहीं पे रिलीज करते हैं क्लास को, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे. ग्लूकागोन, इंसुलिन, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है. देन नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इसकी कंडीशन, डायबिटीज कैसे के पैनक्रियास के प्रॉब्लम से कम हाइपोग्लाइसीमिया होता है और हाइपरग्लाइसीमिया होता है. और आप इसको रीड करके रखोगे, दिस इज योर होमवर्क, यू विल रीड इट योरसेल्फ. ओके ओके मैम. टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम एंड टिल देन आप इसका नोट्स भी पूरे करते रहो, एनसीईआरटी बेस भी बना सकते हो, काफी अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है. और नहीं तो आपको पावर पॉइंट शेयर्ड ही है, आई हैव शेयर्ड यू पावर.